हेलो गाइस, मेरा नाम वर्मा बैंडर है और आज हम आपको इस छत पर डैम प्रूफ कैसे लगता है वो दिखाते हैं। देखिए गाइस, ये हमारी छत है जिस पर हमें डैम प्रूफ मारना है और इसमें इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ती हो रही है। इसमें बहुत मोटे मोटे क्रैक्स पड़े हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले हमें इसे तार ब्रश घुमाना पड़ेगा। तार ब्रश से अच्छी तरीके से सफाई करनी पड़ेगी गाइस। जब तक इसकी सफाई नहीं होगी तब तक इसमें छत में डैम प्रूफ ना लगाएं। सफाई करने के बाद गाइस इसमें एक सूखी झाड़ू मारें और फिर इसकी धुलाई करें। देखिए गाइस कितने मोटे मोटे इसमें क्रैक्स हैं। फिर इसे पानी से अच्छी तरीके से धो लें। धुलाई करनी बहुत ज़रूरी है गाइस, ताकि हमारे धूल के कण सारे धुल जाएं। देखिए गाइस इस तरह अच्छी तरीके से इसकी धुलाई करें। और ये हमारी धुलाई कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा डैम प्रूफ। 30% पानी मिलाएं, 20 लीटर में 30% पानी मिला के पहला कोट टाइमर बेस की तरह मारें। देखिए हमारा पहला कोट लगना स्टार्ट हो गया है। देखिए भाई, इसमें आड़ा तिरछा कर कर ब्रश चलाएं। पहला कोट हम इसमें सीधे हाथ से मार रहे हैं। ये हमारा पहला कोट लगकर कंप्लीट हो गया गाइस। देखिए पहला कोट, अब इसमें हम सेकंड कोट लगाने जा रहे हैं गाइस। ये देखिए सेकंड कोट हमारा। और ये हमारा सेकंड कोट लगकर बिल्कुल तैयार हो गया गाइस। गाइस इसमें जो हमने क्रैक थे वो हमने क्रैक सील से भरे थे। इसकी वीडियो हम नहीं बना पाए लेकिन क्रैक हमने क्रैक सील से भरे थे। ये हमारा सेकंड कोट लगकर तैयार हो गया है। और गाइस ये हमारा थर्ड कोट है। ये उसी डायरेक्शन में चलाएं जिसमें हमने पहले कोट में चलाया था। आड़ा तिरछा कर कर ब्रश चलाएंगे तो इसकी देखिए गाइस हमारा आधे से ज़्यादा फाइनल कोट लग चुका है। और ये हमारा फाइनल कोट कंप्लीट हो चुका है गाइस। ये देखिए, अगर आप लोगों को भी हमारा काम करे पसंद हो या लाख से संबंधित कोई समस्या है तो हमें डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप।